हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, अगर आपकी रील भी वायरल नहीं होती है, आपकी रील पर सिर्फ 5-10 व्यूज़ ही आते हैं, तो दोस्तों आपको 5-10 व्यूज़ से छुटकारा मिलने वाला है। आपको मैं वो दो तरीके बता दूंगा जिनको अपनाने के बाद आपकी इंस्टाग्राम रील 100% वायरल हो सकती है। तो दोस्तों वो कौन से दो तरीके, उनको जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक प्रो टिप बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे आप देख सकते हो रील वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो जितनी भी ट्रेंडिंग रील्स होगी वो सब आ जाएगी। जैसे ट्रेंडिंग पे चल रही है जिस पर तीर वाला निशान बना होगा ना, आप नीचे देख सकते हो तीर वाला निशान, जहाँ पर ये आपको दिखाई दे समझ लो वो रील ट्रेंडिंग पर चल रही है, और जहाँ पर ये निशान ना दिखाई दे समझ लो वो वीडियो ट्रेंडिंग पर नहीं है। जैसे ये वीडियो ट्रेंडिंग पर नहीं है, ठीक है, जैसे ये वीडियो ट्रेंडिंग पर नहीं है, ये वीडियो ट्रेंडिंग पर है क्योंकि इस पर तीर वाला निशान है। आपको इस तीर पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो इस पर कितने लोगों ने रील बना रखी है, 778 लोगों ने इस पर रील बना रखी है, यानी कि आपकी रील वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप चाहो तो इस पर रील बना सकते हो। दोस्तों अगर आपको जल्दी से रील वायरल करनी है तो आप मेरी एक रील पर वीडियो बना सकते हो, वो भी ट्रेंडिंग पर चल रही है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपनी प्रोफाइल में जाके, आप देख सकते हो अपनी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ। आप देख सकते हो मेरी ये वाली वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग पर चल रही है। आप देख सकते हो इस रील पर 1.1 मिलियन व्यूज़ है, और ये वीडियो भी मेरी ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो चाहो तो आप इस पर बना सकते हो। देखते हैं अब इस पर कितनी रील बन चुकी है। देखते हैं इसमें 95 रील बन चुकी है, मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपके पास, आप भी आराम से इस पर रील बना सकते हो और आपके भी अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं जैसे इन लोगों के आए हुए हैं। तो दोस्तों ऊपर वाले कमरे में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गमस थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। एनीवेज अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। आज जब भी आप अपनी रील को अपलोड करो तो आपको ये तीन टैग जरूर लगाने। तो वो कौन से तीन टैग है, चलो उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो टैग लगाना है रील अपलोड करते समय, वो ये लगाना है वायरल रील्स का, ठीक है। सेकंड टैग आपको लगाना है ट्रेंडिंग का, और जो थर्ड टैग आप लगाओगे वो लगाओगे इंस्टा रील्स का। आपको ये तीन टैग अपनी वीडियो में ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद अपनी रील को आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको रील अपलोड करने के बाद उसके बाद आपको कोई सी भी रील उसके पीछे अपलोड नहीं करनी है 6-7 घंटे तक, या फिर अगले दिन ही आप नेक्स्ट रील अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये दो तरीके थे जो मेरे को आपको बताने थे। अब आपको जो मैं प्रो टिप बता रहा था वो ये है कि देखो दोस्तों, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, जैसे अगर आप अपनी वीडियोज़ बनाते हो, कोई टैलेंट आपके पास, तो वो आप इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हो, क्योंकि जो अपना कॉन्टेंट होता है दोस्तों वो अपना ही कॉन्टेंट रहता है। किसी और के कॉन्टेंट पर आप अगर आप रील बनाओगे तो इतनी रीच नहीं पहुँचेगी जितने लोग आपको आपकी रील से पहचानेंगे। जितने लोग आपको आपकी रील से पहचानेंगे उतने दूसरे की वीडियो से आपको नहीं पहचान पाएंगे। तो मेरा प्रो टिप यही रहेगी कि अपना कुछ अपना टैलेंट अपने अंदर से निकालो ताकि लोगों को पता चल सके, लोगों को दिख सके। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।